क्या आपका बच्चा फंडेड अर्ली एजुकेशन को छोड़ रहा है? हिफाजत और महफूज महसूस कराना। इलाजा को नर्सरी जाना पसंद है। वहाँ हमेशा कोई बड़ी मुस्कुराहट और सलाम वालेकुम के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है। ये उसे खास महसूस कराता है। अपना काम खुद करना। इलाजा को बड़ा महसूस होता है जब वो अपनी अम्मी और अब्बा को खुदा हाफिज करता है। वह सब चीज़ें खुद करना सीख रहा है। वह अपना नाश्ता खुद पसंद करता है, इससे पहले कि वो कोई खेल अपनी पसंद का चुने। खेल से सीखना। कभी कभी मुमताज़ की टीचर उसे और उसके दोस्तों या सहेलियों को कुछ चीज़ें बनाना सिखाती है, जैसे खेलने का आटा। तब उसे अपनी टीचर की बात ध्यान से सुननी है और उसकी बताई हुई हिदायत को फॉलो करने की कोशिश करती है। क्या आपको पता है कि सही माने में मुमताज़ साइंस कर रही है, क्योंकि वो दरियाफ्त कर रही है कि चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। सब चीज़ों को ऐसे मिलाना बहुत मुश्किल काम है, परंतु इससे उसके हाथ के मसल्स बन रहे हैं जो बड़े होकर उसे लिखने में मदद करेंगे। खेल से सीखना। डैनियल को गंदा होना पसंद है, ये वो हमेशा घर पर नहीं कर सकता। डैनियल अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। जब वो कोई मिक्सचर छूता, सूंघता या देखता है उसे बनाते वक्त, ये उसके दिमाग को बढ़ाने में मदद करता है। हर हिलना डुलना गिनती में आता है। डैनियल को योगा करने में बहुत मज़ा आता है। डैनियल के मसल्स और बैलेंसिंग अच्छे होते हैं जब वो घूमता या हिलता डुलता है। ये उसी कुर्सी पे बैठने में मदद करेंगे जब वो स्कूल जाएगा। उछल कूद करके डैनियल को खुशी मिलती है। खेल से सीखना। नर्सरी में मुमताज़ को तस्वीर बनाने को मिलती है। कभी कभी वो ब्रश का इस्तेमाल करती है और कभी कभी उसे छूना पसंद है। वो गीला रंग और रंग को दबाकर महसूस करती है। उसे रंगों को मिलाना अच्छा लगता है। मुमताज़ इस वक्त कुछ खुद बना रही है। दोस्त बनाना। इलाजा को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। उसे अपनी बारी लेना और बांटना पसंद है। इलाजा को अपनी सोच का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। हिफाजत और महफूज महसूस करना। कभी कभी डिलन को शांत और आरामदायक जगह अच्छी लगती है। उसकी टीचर उसे अपनी पसंद का खेल चुनने देती है। ये उसे खुशी देता है और शांत महसूस कराता है। हिफाजत और महफूज महसूस करना। जब डिलन दुखी होता है तब उसकी टीचर उसे कुछ खास खिलौने देती है, जिससे वो शांत हो जाता है। कभी कभी वो अपनी टीचर के साथ पार्टी समय करता है। ये डिलन को सुनने और ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सुनना, समझना, बोलना। हर दिन सब एक साथ बैठते हैं और स्नैक खाते हैं। हैरी को कुछ नया खाना और उसे चुनना बहुत पसंद है। वो अपना केला खुद छीलता है। इलाजा को स्नैक में संतरा पसंद है। सुनना, समझना, बोलना। हैरी को अपने दोस्तों के साथ गाना बहुत पसंद है। गाने उसे खुशी देते हैं और उसे नाचने का मन करता है। हैरी नए गाने सीखता है और उन्हें अपने परिवार वालों को घर पर सिखाता है। ये उसे सुनने और ज़्यादा बोलने में मदद करता है। उसे बाहर खेलना और नेचर को देखना पसंद है। इलाइजा को कहानी सुनाना बहुत पसंद है। हिफाजत और महफूज महसूस करना। इलाइजा ये सीख गया है कि उसकी अम्मी और अब्बा हमेशा उसे लेने नर्सरी ख़त्म होने पर आएंगे। कई बार इलाइजा को इतना मज़ा आ रहा होता है कि वो जाना नहीं चाहता। हर एक बच्चा नायाब और ख़ास है। 15 घंटे फंडेड अर्ली एजुकेशन, जो परिवार इसके लिए काबिल है, बच्चे के फर्स्ट टर्म, दूसरे जन्मदिन के बाद। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ।